हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका डी के टेक्निकल में। तो इस एसी को पहले कोई और लगा गया था, इसमें एक हॉल नहीं था, एक खिड़की बगल से खिड़की है उसके पास से किसी ने पाइप निकाल दिए थे। कंपनी वाले आए थे इसको लगाने के लिए, नया एसी था। तो भाई कस्टमर को ये पसंद नहीं आया और उसने ये कहा कि भाई पीछे से पाइप निकला हुआ है जो आगे की तरफ इंडोर में, उसको हॉल करके निकाल लाए। तो बस मैंने इसमें वही किया। तो उस टाइम मैं वैक्यूम कर रहा था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, तो आप देख सकते हो कि मैं उस टाइम वैक्यूम कर रहा हूँ। तो ये मैंने नीचे हॉल किया था, काफ़ी मुश्किल से पाइप को घुमा फिरा के जॉइंट किया और ये कनेक्शन है इन्वर्टर एसी। मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर इसके बाद सॉरी दोस्तों मैं कुछ बता नहीं पाया। तो मैं इसके कनेक्शन करने के बाद इसका एक कम्युनिकेशन का वायर होता है वो सबसे लास्ट में लगेगा, एक अर्थिंग का वायर है, फोर कोर वायर है, और मैं अंदर से रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। तो मैं आपको दिखाता है एक ऐसा एसी लगा हुआ है, बहुत गंदा एसी लग रहा था ये देखने से। अंदर ऊपर की तरफ पाइप ऐसे घूम घाम के गई थी और नीचे से ड्रेन पाइप ऐसे ही लटका हुआ था, अंदर ही पानी गिर रहा था, बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने इसे तरीके से लगाया बस, और इसमें और मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। आउटडोर पहले से लगा हुआ था, इंडोर की पत्ती पहले से लगी हुई थी, बस उसको हॉल करना था, पाइप निकालना था, बस इतना ही काम था इसमें। और काम तो हो ही गया है फिलहाल पूरा, बस अंदर जाके चेक ही करना था। तो वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसे कभी मौका मिलता है तो इसकी वीडियो एक डाल दूँगा अंदर की इंडोर की। अभी वैक्यूम चालू है, इसको वैक्यूम हटाना है और इसकी गैस वैस खोल ली है। ढक्कन बंद कर देते हैं।